सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। नागपुर में 5 बेटियों ने पिता को कंधा देकर दी मुखाग्नि। विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजेगा, नामांकन की होगी शुरुआत। अमरावती में 3000 से भी ज्यादा बैनर हटाए गए। सापुली में मतदाताओं को दी VVPAT मशीन की जानकारी। विस्तार से नागपुर के समर्थ कॉलोनी में 5 बेटियों ने पिता की अर्थी से पहले कंधा दिया। उनके उपरांत अंतिम संस्कार कर मुखाग्नि देकर समाज के सामने आदर्श स्थापित किया। समर्थ कॉलोनी निवासी गंगाधर कालमेक की 5 बेटियां हैं। उनको बेटा नहीं है। उनके पिता 6 साल से बीमार थे, जहां उनकी मृत्यु गुरुवार को हो गई थी। समाज के सामने बेटियों ने रखा अपना तर्ज। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को अधिसूचना जारी की जाएंगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अमरावती विधानसभा क्षेत्र में 309 मतदान केंद्र है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1550 मतदाता वोट डाल सकेंगे। यह जानकारी अमरावती के SDO और चुनाव निर्णय अधिकारी उदय राजपूत ने दी है। 1360 कर्मचारी होंगे तैनात। साथ ही अमरावती विधानसभा चुनाव के लिए 340 मतदान गठित की गई है। 3,45,597 मतदाता देंगे वोट। अमरावती में आचार संहिता लगते ही प्रशासक ने बरती सख्ती। अधिसूचना आज से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही प्रशासन की ओर से 8 विधानसभा में बैनर पोस्टर हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। अब तक 3,805 फलक, पोस्टर, बैनर और 1,860 राजनीतिक दलों के झंडे हटाए गए हैं। साकोली में मतदाताओं को VVPAT मशीन की दी गई जानकारी। मनोहर भाई पटेल महाविद्यालय में पुलिस विभाग एवं निर्वाचन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूक अभियान का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर हरीश त्रिवेदी की अध्यक्षता में की गयी। EVM तथा VVPAT की जानकारी के लिए छात्रा का ग्रुप बनाकर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट के माध्यम से निश्चयता के साथ चुनाव का प्रशिक्षण दिया। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। धन्यवाद।